हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। पावर क्यूरी की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। जी हाँ, पावर क्यूरी के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में आज आपके साथ जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा मेनू में जाते हैं और जाने के बाद हम कोई फाइल को लिंक करते हैं, जैसे एक्सेल फाइल ही या कोई भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने डी ड्राइव के अंदर हमारे पास 2021 फोल्डर के अंदर एक डेटा फोल्डर के अंदर कई सारे फाइल्स हैं। तो मैं इसमें वन नाम की फाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो चलो मेरे पास वन नाम की फाइल है, वन नाइन मान लीजिए कई सारे शीट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मान लीजिए वन नाइन का फाइल है। हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके हम पावर क्वेरी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा वन नाम का डेटा है, लेकिन इन फ्यूचर में ये टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। तो हर बार हम कैसे चेंज करें? तो इसके दो तरीके हैं कि आप यहाँ सोर्स में जाके हर बार इस फाइल के नेम को चेंज कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ड्रॉप डाउन सिस्टम होना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पैरामीटर्स। तो मैनेज पैरामीटर में जाएंगे, न्यू पैरामीटर पर क्लिक करते हैं और यह नाम दे देते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे पैरामीटर का नाम दे देते हैं fn फाइल नेम, और इसके डेफिनेशन लिख देते हैं सेलेक्ट डेटा सोर्स फाइल नेम, और ये रिक्वायर्ड है, सही है। और ये टेक्स्ट, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप किए, जो डेट टाइम वगैरह जो डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो हमने उड़ा टेक्स्ट कर लिया क्योंकि टेक्स्ट है। अभी क्या है, क्यूरी को सिलेक्ट करना है, लिस्ट ऑफ वैल्यू, मतलब कोई क्यूरी यहाँ पे है या लिस्ट ऑफ वैल्यू है। हमने बोला कि यहाँ लिस्ट ऑफ वैल्यू है और यहाँ पे सारे फाइल नेम है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छः फाइल कर दी। करेंट वैल्यू क्या है, 1 है और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और करेंट वैल्यू में भी हम यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ खास सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन ओके करते हैं तो यह पैरामीटर यहाँ खुल जाता है। यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। पर तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर सीट में हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो सीट में सेलेक्ट करने के लिए ये देखिए आपके अप्लाई स्टेप है, इसी के ऊपर आपको दिखेगा सोर्स। सोर्स में जाने के यहाँ फाइल होगा। अब जैसे एक्सेल में हम इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर, कॉनकेट का इस्तेमाल कर हम जोड़ यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम एफ एन कर देते हैं, एफ एन सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। ये सॉरी स्पेस स्पेस हो गया, ये यहाँ पे यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, अब आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा आपके पास, ये डेटा आपके पास आ रही है फाइल नंबर 1 से। अगर मैंने यहाँ पे फाइल नंबर 2 को सेलेक्ट कर दिया, तो फाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करते ही सीट पे जाइएगा, दूसरा फाइल नंबर 2 का डेटा आएगा। फाइल नंबर 3 करेंगे तो सीट 1 में जाते ही फाइल नंबर 3 का डेटा आएगा। कोई रिफ्रेश नहीं किया तो रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है, फाइल नंबर 3 का डेटा आएगा। अब इसको यहाँ से आप लोड करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे लोड एंड क्लोज कर दिया। तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं ना, वो पैरामीटर आपके एक्सेल सीट पे नहीं आएगा। पैरामीटर जो आएगा वो आएगा आपका डेटा, यहाँ डेटा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आती है कि मैं फिल्टर ही भी क्या इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज करूँ चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे नेम हैं हमारे पास, इसको मैं उठा रहा हूँ, या फिर यहाँ हम यूनिक का फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे जस्ट हम या डेटा वैलिडेशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एक करना है ना। मेरा सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट नेम कर दिया, और सेलेक्ट नेम करने के बाद हम यहाँ डेटा में, हमारे पास डेटा वैलिडेशन होता है, उसके लिस्ट वाले सेल टाइप में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं यहाँ पे पूजा कॉमा मोहन कॉमा उदय या कवि कवि। तो आप इसको
दे दीजिए किसी पे, ये है कहीं से लिंक है तो लिंक भी दे सकते हैं, जैसे कोई सेल पे एड्रेस पे लिस्ट बना है उसको भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने एक नाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूजा को। अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले फ्रॉम फाइल में आऊँगा, नहीं यहाँ फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम टेबल, टेबल में माई डेटा हैज ए हीडर एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक बार आप इसको लोड एंड क्लोज टू करके ओनली क्रिएट कनेक्शंस कर लीजिए, वरना फिर दोबारा पूजा नाम ही आ जाएगा। सिर्फ हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया टेबल टू के नाम से, फिर इसको एडिट करेंगे तो वापस पावर बी आई पावर क्वेरी हमारा आ जाएगा। अब इसमें पहले टेबल टू का नाम जो है यहाँ पे एनएन कर देते हैं, यहाँ रिनेम करके हम यहाँ पे एनएन कर देते हैं। और फिर इसको हम सिलेक्ट करके इसको ड्रिल डाउन कर देते हैं। तो ड्रिल डाउन होने से क्या होगा कि एक सिंबल नेम आएगा, क्योंकि तो एक ही नाम है, अगर ज़्यादा होता तो यहाँ ड्रॉप डाउन आ जाता, क्योंकि तो एक ही, इसलिए ड्रिल डाउन हमने कर दिया इसको। अब शीट वन पे हम जाते हैं और किसी एक नाम पे हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने से क्या होगा कि यहाँ अप्लाई फिल्टर स्टेप आ जाएगी और यहाँ पे उस स्टेप का कोड आ जाएगा। अब इस कोड में अजीत को मैंने यहाँ हटा दिया और यहाँ पे हम एनएन को ले लेते हैं, सिंपल सा एनएन। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए पूजा आ गया। अब मैं यहाँ पे लोड एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ पूजा का डेटा आ रहा है। अब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मैंने मोहन सेलेक्ट किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके रिफ्रेश ऑल करना पड़ेगा। रिफ्रेश ऑल करेंगे तब जाके यहाँ देखिए मोहन का डेटा आ गया। यहाँ पे आप कवि का डेटा करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, ये आपका कवि का डेटा आ गया। तो कई सारे फिल्ट्रेशन आप इसी के माध्यम से उठा सकते हैं पैरामीटर की मदद से। तो पैरामीटर्स हर जगह पे यूज किया जा सकता है। बात आती है कि क्या पैरामीटर्स सिर्फ फाइल के लिए भी होता है। देखिए पैरामीटर्स को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पैरामीटर जो है आपके सेल लिंक से कनेक्टेड नहीं होता है। जी हाँ, सेल लिंक से कनेक्टेड नहीं होता है। ऐसे जैसे एफ एन हमारा है, अगर हम इस एफ एन को मैनेज क्यूरी, न्यू क्यूरी, नहीं पहले इसको हम क्यूए कर देते हैं, यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में इससे आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।